I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, hello and Namaste everyone. My name is Manju and you're watching The Versatile Mom. So my dear friends, जैसे कि आप सभी को पता है, Christmas and New Year festival is coming. So this festival we want to celebrate with our students, with our family and our friends. I'm sharing 10 games जो कि every age के people खेल सकते हैं. So without further delay, let's start. So the first game is what are you wearing? In this game आपको क्या करना है, एक बड़ी सी सर्कल कर लेना है और एक बैग के अंदर बहुत सारी फनी ड्रेसेस डालनी है एंड आपको म्यूजिक ऑन करना है. जैसे ही म्यूजिक ऑन होगी, ईच मेंबर विल ट्रांसफर दैट बैग टू वन अनदर. और जब म्यूजिक स्टॉप होगी, जिसके हाथ में वो बैग होगा, वो मेंबर उस बैग में से एक कपड़ा निकाल के पहनेगा एंड ही और शी विल शो दिस ड्रेस टू एवरीवन. गेम नंबर टू, फुटसी पॉप. नाउ इस गेम में आपको क्या करना है, जितने मेंबर्स हैं आपके गेम में उसके अकॉर्डिंग आपको बलून कलेक्ट करने हैं एंड सारे बलून्स के नीचे आपको रिबन लगाने हैं एंड यू हैव टू अनाउंस टू एवरी मेंबर्स ऑफ द गेम दैट वो जो आपने रिबन लगाए हैं उन वो रिबन वो अपने पैर में लगाए, अपने लेग में लगाए एंड स्टार्ट प्लेइंग द गेम. सारे मेंबर्स को बताना है कि वो अपने बलून को सेव करें और दूसरे के बलून को बर्स्ट करें. इस गेम का विनर वही होगा जिसके पाव में बलून बची होगी और जिसने सारे बलून फोड़े होंगे. Our next game is number game. ये बहुत ही अच्छी और बहुत interesting game है जो सारे age के लोग खेल सकते हैं. जैसे कि इस game में क्या करना है, आपको थोड़ी सी confusion पैदा करनी है और थोड़ी सी ये एक mind game है तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा active भी रहते हैं और बड़ों को भी इस game में बहुत interest होती है. तो आपको खेलना कैसे है, इस game में आपको जैसे कि number game है तो आपको लग रहा होगा कि आपको काउंटिंग करनी है. सो लाइक दैट आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6. मगर इसमें आपको काउंटिंग सिर्फ इंग्लिश में नहीं करनी है, मतलब अंग्रेजी नंबर में ही सिर्फ नहीं करनी है, आपको हिंदी में भी करनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही करनी है. ओके, तो आपको इस काउंटिंग कैसे करनी है, सारे मेंबर्स लाइन करके खड़े हो जाएंगे. सो द फर्स्ट मेंबर लाइक मी, ओके मैं एक फर्स्ट मेंबर हूँ तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे हिंदी में हम लोग जीरो को शून्य बोलते हैं तो मैं कह रही हूँ शून्य. एंड द नेक्स्ट मेंबर जो मेरे पीछे खड़ा है, दैट मेंबर विल से वन. ओके, आफ्टर दैट दूसरे को क्या कहना है, दो, उसके बाद थ्री, उसके बाद चार, उसके बाद फाइव, ऐसे करके आपको गेम को कंटिन्यू करना है. एंड द वन जो बीच में, जैसे आपने टू के बाद अगर थ्री बोला, तीन नहीं बोल के अगर थ्री बोला, तो दैट पर्सन विल डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द गेम. सो दिस इज द रूल ऑफ द गेम जो कि बहुत सिंपल है एंड सारे लोग इस गेम को खेल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट गेम इज पासिंग द पार्सल. ये गेम आपको कैसे करना है, आपको एक सर्कल बना लेनी है जहाँ पे सारे मेंबर्स खड़े होंगे और आपके हाथ में कुछ ऐसा आइटम ले लेना है जो कि आप पास करो तो वो इजीली कैचेबल हो. ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कि आप पिलो रख सकते हो, बॉल रख सकते हो, जो कि बहुत हैंडी हो और आप उसको कैच कर सके. अब इस गेम में आपको क्या करना है, इस गेम में आपको म्यूजिक रखनी है थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए. अब आप क्या करोगे, जो आपके हाथ में है, जैसे कि आप अगर इस गेम को खेल रहे हो हैप्पी न्यू ईयर में, तो आपको क्या करना है, ईच मेंबर्स को हैप्पी न्यू ईयर, ओके हैप्पी न्यू ईयर 2022. जब भी आप बॉल या पिलो को पास करोगे दूसरे मेंबर्स को, आपको कहना है हैप्पी न्यू ईयर 2022. जैसे मैं किसी को पास कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2022. नाउ द नेक्स्ट मेंबर विल से 2022 हैप्पी न्यू ईयर. ओके, ऐसे ऐसे करके, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला हैप्पी न्यू ईयर 2022, नाउ द नेक्स्ट मेंबर इज सेइंग 2022 हैप्पी न्यू ईयर. नाउ द थर्ड मेंबर विल से हैप्पी न्यू ईयर 2022 एंड द फोर्थ मेंबर विल से 2022 हैप्पी न्यू ईयर. ऐसे करके आपको सेंटेंस की सीक्वेंस बनाए रखनी है एंड द वन जो मिस्टेक करेगा, जिसकी सीक्वेंस ठीक नहीं होगी, जिसने इनकरेक्ट सेंटेंस बोला होगा, ही और शी विल डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द गेम. Now the next game is fun photos. In this game what you have to do is you have to say to your guests that उनको उनके funny face बनाने हैं जो कि आप click करोगे and the one जिनकी face सबसे ज़्यादा funny आएगी
ही और शी विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। ये गेम बेसिकली टाइम को स्पेंड करने के लिए, सबको इंगेज करने के लिए बनाया गया है। तो आप इस गेम को जब खेलोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बिकॉज द पर्सन द पीपल विल ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट फेज जो कि बहुत फनी होगी। एंड एट लास्ट ग्रुप में ही आप लोग डिस्कशन कर सकते हो कि किसका फेस सबसे ज़्यादा फनी था। नेक्स्ट गेम इज गागल द सॉन्ग। नाउ दिस इज अनदर गेम विच इज रियली वेरी फनी। आपको इसमें क्या करना है, एवरी मेंबर और यू कैन डिवाइड द टीम मेंबर्स इन ग्रुप में, आपको क्या करना है, मुंह के अंदर पानी रखना है एंड यू हैव टू गागल द सॉन्ग एंड द नेक्स्ट पर्सन और नेक्स्ट ग्रुप विल से विच सॉन्ग यू आर सिंगिंग एंड द राइट वन विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। द नेक्स्ट गेम इज ब्रेन स्टॉर्मिंग विथ वर्ड्स। ये गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आप हर एज के पीपल के साथ खेल सकते हो। लाइक इस गेम में क्या करना है, आपको बहुत सारे चीज बनानी है। जैसे कि गेम का नाम ही है ब्रेन स्टॉर्मिंग विथ वर्ड्स, तो आपको इसमें क्या करना है, बहुत सारे चीज बनानी है। चीज बनाने के बाद एक बॉल में आपको रखना है एंड आपको क्या करना है, वो चीज एक एक मेंबर्स उन चीज को उठाएंगे। ओके, उन चीज को उठाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जो वर्ड लिखे होंगे, लाइक आपको बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो आप, जैसे कि ब्यूटीफुल, पार्टी, इशारे, दीवाने या लंदन। ओके, सो जो वर्ड्स वो प्लेयर उठाएगा, उसमें जो वर्ड वो देखेगा उसके अकॉर्डिंग उसको गाना गाना है। सपोज लंदन, जैसे लंदन से क्या गाना हो सकता है उसको सोचना है एंड यू हैव टू गिव सम टाइम लिमिट, जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द मेंबर आपको डिसाइड करना है टाइम आप कितना रखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको गाना गाना है। जैसे सपोज लंदन, सो लंदन में हम गाना सोचेंगे 10 सेकेंड के लिए, तो जैसे लंदन से क्या गाना है, लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, खाना पीना गाना बजाना, गाड़ी में हो जाए सनम पिप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ऐसे ही आपको वो चीट हर एक मेंबर्स को देनी है, जो मेंबर्स चीट को उठाएगा उसमें जो वर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग उनको गाना गाना है, वो चाहे इंग्लिश या हिंदी में भी गा सकते। Now the next game is pick up the ice cube with the help of toothstick. इसमें क्या करना है, आपको दो members को, दो players को side में बैठाने हैं, दो ball लेनी है जिसके अंदर बहुत सारे ice cube होंगे और उस ice cube को वो अपने हाथों से उठाकर एक ball में transfer करेंगे। दोनों members transfer कर अपने अपने ball में transfer करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सुनने में बहुत इजी लगता है बट ये खेलने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आइस क्यूब जो होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होती है। विद द हेल्प ऑफ टूथ स्टिक ये उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो द मेंबर्स विद इन द टाइम लिमिट जो आपने सेट की है उसके अंदर जितने आइस क्यूब उठा के दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेगा, ही और शी विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। Another game is catch the marshmallow. Is how you will play this game. आपको divide करनी है दो groups. उसके बाद you have to throw the marshmallow. Okay, you have to throw the marshmallow and they will catch it with their mouth without using their hand. This team ने सबसे ज़्यादा marshmallow अपने मुँह में collect किया होगा without using their hand. That team will be the winner of this game. Now the last game जो कि बहुत simple है but खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। इस game में आपको क्या करना है, दो टीम को डिवाइड करनी है, उनको लाइन में खड़े करनी है, दोनों की अपनी अपनी लाइन होगी एंड द फर्स्ट प्लेयर ऑफ ईच टीम उनके पीछे आपको बलून बांधनी है। ओके, एंड दो टीम के बंदे एक एक करके आएंगे और विद द हेल्प ऑफ देयर टमी पुश करके बलून को बर्स्ट करनी है। जो टीम मेंबर्स सबसे ज़्यादा बलून बर्स्ट करेंगे, ही और शी विल बी द विनर ऑफ दिस गेम बट विदाउट यूजिंग देयर हैंड। They have to push their tummy and they have to burst the balloon. This is the rule of this game. So, Hannah, interesting? So, this is how you can celebrate your festival, Christmas and New Year with your friends, family and with your students also. I hope you found this game interesting and funny. So, if you like this video, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you again in the next video. Till then, take care. Bye-bye and Merry Christmas and Happy New Year in advance.